आज तो मैं ये लॉस सैंटोस की पुलिस को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ ब्रो। जिन लोगों ने मेरा पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, और इन पागलों को देख लो, गाड़ी के ऊपर लटक के आ रहे हैं। हालांकि अंदर से पूरी गाड़ी खाली पड़ी है, लेकिन नहीं, ये लोग गाड़ी के ऊपर लटक के आएंगे और आगे से रोड ब्लॉक चल रहा है। लेट्स गो। अरे भाई मैं डर गया। एंड फट से ये देखो तेरे पीछे चार चार गाड़ी, तेरी दोनों पर डंडी निकाली है। हेलो, मेरी गड्डी यहाँ पर एकदम से रेडी है। अबे ओए, और ये तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था। ओए तू तो पूरा टैंक लेके आ चुका है। इधर है भाई, हमने पुलिस को मारना है। तू तेरी ओए ओए थोड़ा बहुत ध्यान से ले ले। ओए ओ कहीं मेरे को ना मार दियो भाई, दो सेकंड रुक जा। अब ग्रेनेड लॉन्चर वाली सीट पे बैठ जाओ। रुक जा, आ रहा हूं। गाइस आज लॉस सैंटोस की पुलिस एकदम से दरवाजा खोल। दरवाजे खुल गए भाई, जल्दी बैठो। अबे दरवाजा खोलना, मर जाऊंगा मेरे भाई। ओ भाई मेरे को भी मरने वाला था। और इसी के साथ गाइस मैं आ चुका हूं रॉकेट लॉन्चर वाली सीट के अंदर। पट से लेट्स गो। ये वैन बहुत ज्यादा करीब आ रही है, पहले इसको मारो। पहले ये बताओ कि हुआ क्या भाई? इन लोगों ने मेरी गाड़ी लेकर रख ली, कब्जे में कर ली। मैं सुसु करने गया था संजय की दुकान के ऊपर, और मैं जैसे ही बाहर आया मेरी गाड़ी लेके भाग गए। सिर्फ इतनी सी बात है भाई, $200 दे देते, इतनी तबाही मचाने की जरूरत नहीं थी। $200 देने को राजी था। जब मैं पुलिस स्टेशन गया ना, तो वो बोलते हैं कि भाई ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये कागज लेके आओ। मैंने कहा तुम्हें बताता हूँ तुम्हें। हेलो को ज्यादा इसने कहा नहीं क्या, ये लंबोर्गिनी वाला अभी बहुत ज्यादा हो गया, मैं इनको बाहर निकल के मारूंगा। इन लोगों ने ना मेरा लॉस सैंटोस के अंदर जो है जीना हराम करके रखा हुआ है। मेरी गाड़ियां जब्त करके रख ली सारी इन लोगों ने, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, फट से इनको लपेटते हैं। बस बैकअप देता रहा ये मेरे को यहाँ पर दे रहा हूँ भाई, मैं सारा बैकअप यहाँ पे दे रहा हूँ। ऊपर से चॉपर भी नीचे आ रहा है। तू भी ले। और यार इन लोगों ने मेरे को मार दिया मैन। और ये देखो ऊपर नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि मेरी नई वाली कुरुमा जो कि मैंने पुलिस से बचने के लिए लेके रखी थी, और वो भी लेके चले गए कस्टडी के अंदर। ब्रो ये बहुत ज्यादा हो रहा लॉगी। यार इसका मतलब ये है कि अगर आप गैराज से कोई भी गाड़ी निकालोगे तो वो आपको रेडार में देख लेंगे और आपको पकड़ लेंगे। और मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाके अपनी गाड़ी छुड़वा भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे लोगों ने बताया ना ब्रो कि अगर जैसे ही गाड़ी गैरेज के अंदर से निकलेगी उसी वक्त वो गाड़ी रेडार के अंदर आ जाएगी और पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। अब क्या करूं तू ही बता मेरे को भाई। मेरे दिमाग में एकदम से सही आइडिया आया है। क्यों ना आप नई गाड़ी ले लो जिसके बारे में पुलिस को क्या भाई किसी को भी पता नहीं है। ओ ये यार ये आइडिया लोगे का एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया आया। और ये देखो 2.8 मिलियन। व्हाट, हर एक गाड़ी ड्रिफ्ट वाली नहीं है भाई, ये फोर्ड जीटी लग रही है मेरे को तो। ये वाली तो मैं पक्का लेकर आऊंगा। तो गाइस ये देखो इसके अंदर पूरा माइटी V8 इंजन लगा हुआ है, काम करता है फटाफट से। गाइस मेरे को $2.8 मिलियन यहाँ पे खर्चने हैं, और हम हमेशा की तरह ऑर्डर करेंगे व्हाइट वाली। और अगर मैं बाहर निकल के देखूं लोग अपनी गाड़ी साइड में लगा ले, क्योंकि मैंने चाहता कि तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी को स्क्रैच करे। और गाइस ये रही अपनी, भाई तू पागल है क्या? खंबा कहाँ से आ गया यार? मैं तेरे को समझाऊं खंबा कहाँ से आया, समझाऊं तेरे को? सॉरी सॉरी सर जी भाई, भाई? पता ना आपको इस गाड़ी का भी खर्चा देना पड़ेगा। ओ ये भाई ये गाड़ी आकर जैसे मैंने लोगों के ऊपर गोली चलाई ना, तो ये गाड़ी भी पुलिस की कस्टडी के अंदर आ जाएगी। लेकिन इस वर्थ इट, उसने मेरी गाड़ी आ जाओ फोड़ो फोड़ो भाई। ओह माय गॉड, पुलिस इसके पीछे पड़ चुकी है मैन। अरे नहीं यार लॉगी क्या कर रहा है यार, बर्बादियां हो रही है यहाँ पर। भाग जाओ। और ये गाइस मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी जो कि मैं बिल्कुल फिलहाल एंजॉय भी नहीं कर सकता, और अभी तक तो पुलिस ने ये वाली गाड़ी भी देख ली होगी यार। पूरा नंबर प्लेट जितनी भी इसकी फीचर्स हैं सारे अभी तक तो कस्टडी के अंदर आ चुके होंगे, या फिर हर जगह पर कैमरे वगैरह भी लगे हुए। और तू मेरी कुछ ज्यादा ही हेल्प कर रहा है मेरे को पुश करके। नहीं भाई, तो भाई मैं आपको तेज चलाने की सोच रहा हूँ। ओह मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। अभी ये वाली गाड़ी जो है गाइस जैसे मैंने बताया ना, ये भी रेडार के अंदर आ चुकी है, तो क्यों ना फटाफट जाके सो पूरा कस्टमाइज करते हैं। क्योंकि ये जो नंबर प्लेट कस्टडी के अंदर आ चुका है ना, मुझे फटाफट जाके ये वाला नंबर प्लेट भी चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले मेरे को 2 सेकंड यहाँ पे वेट करना, क्योंकि लॉस सैंटोस की पुलिस मेरे को पागलों की तरह ढूंढ रही है। तो यहाँ पर खाली पार्किंग अवेलेबल है, तो मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर छुप जाता हूँ। और यहाँ पर भाई आपको तो पता है कि लॉस सैंटोस की पुलिस एकदम पागल है, वो मेरे को 7 जन्मों में भी यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे। और ये देखो हमारा ऊपर वाला स्टार ऑलरेडी ब्लिंक। पुलिस आ गई भाई, मेरे को ढूंढ रही है ना। अरे लेट्स गो। ओके तो एक काम करते हैं ये अपना लॉस सैंटोस कस्टम, और फटाफट से गाइस अंदर जाके ना मेरे को अपनी गाड़ी यहाँ पर जो है मॉडिफाई कर रही है। क्या कर रहा है? अरे भाई जल्दी से घुसो यार। अबे शटर को तो खुलने दे, शटर को तो खुलने दे भाई, तू क्या कर क्या रहा है? सबसे पहले मेरे को ना गाड़ियां पर रिपेयर करनी है, और सबसे पहले उसके ऊपर लगाना है मेरे को खतरनाक वाला आर्मर। एंड अभी आती है अपनी मेन कस्टमाइजेशन। तो अभी हम कस्टमाइज करेंगे अपना फ्रंट वाला बम्पर। ओ भाई एकदम कार्बन फाइबर वाली फील आनी चाहिए यहाँ पर। ये देखो ओके, यहाँ मैं पीछे वाले पर भी मैं जो है कार्बन फाइबर लगा देता हूँ, क्योंकि अभी पूरी ना मैचिंग हो रही है, क्योंकि आगे भी लगा हुआ है कार्बन फाइबर, एंड एट द सेम टाइम मेरे को पीछे भी लगाना है कार्बन फाइबर। और अभी आती है इंजन की बारी, तो हम लगाएंगे लेवल 4 वाला एग्जॉस्ट। ओह ये देखो ये देख ले क्या है, इंचांटेड वाला एग्जॉस्ट लगा रहा हूं मैं यहां पर। साइंस भाई एकदम से मस्त वाली गाड़ी आपको बनानी है। ओके मेरे को यहां पर बिल्कुल भी एक्सप्लोसिव्स गाड़ी के अंदर नहीं लगाने। और अभी अगर हॉर्न की बात करें तो हम लगाएंगे अपना ट्रस्टेड
क्लाउन वाला हॉर्न, लेट्स गो। लाइट्स सबसे पहले मेरे को लगानी है ज़ियोन लाइट्स, लेट्स गो। और अभी आती है नियॉन किट, गाड़ी के चारों तरफ मेरे को लाइट चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे, लग गई ना नीचे ये पूरी पीछे भी लग चुकी है, एकदम पर्पल रंग की लाइट लगी। और देखो गाड़ी ऑलरेडी क्या चमक रही है मैन, एकदम फैंटास्टिक लग रहा है। और अगर कलर के बारे में बात करें तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा एकदम लाल रंग का कलर, तो उसे पता लगना चाहिए कि एकदम हाई स्पीड और हाई कस्टमाइजेबल गाड़ी जो है यहाँ पर आ रही है। ऑब्वियसली जो मैं बोल रहा हूँ उसका कुछ सेंस नहीं बनता, लेकिन आप लोग समझ गए। ओके अभी आते हैं गाइस मेरी फेवरेट चीज, और वो है लिवरी। ओ माय गॉड यार ये लिवरी कितनी मस्त है यार। और रे ओके अगर मैं और देखूं यार मेरी सेकंड वाली जो थी मेरी, ओ माय गॉड ये एब्सोल्युटली इस वाली के अंदर जो है गाड़ी अपनी फायर लग रही है यहाँ पर, तो ये थोड़ा बहुत कार्टून वाली फील मेरे को यहाँ पर दे रही थी, ये वाली मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। ओ माय गॉड ये कितनी मस्त लग रही है यार, होली क्रैप। और इसके बाद वाली अगर देखे तो देखो लगता है किसी ने गाड़ी के ऊपर कूड़ा फेंक दिया, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा यार, ऑप्शन बहुत ज्यादा। और ये देखो मतलब ये देखो ये होता है ना वो 5 साल के बच्चों को जब 8 की क्लास से भेजा जाता है तो वो कुछ ऐसी पेंटिंग करते हैं, ये मेरे को एक्चुअली ज्यादा बढ़िया लगी, तो मैं फटाफट से जो है ये लगा लेता हूँ। ओके लॉस्ट एंड प्रिवेंशन मेरे को गाड़ी के ऊपर फिलहाल नहीं लगाना। और अगर मैं वापस जाकर देखूँ अभी आते नंबर प्लेट की बारी, जो कि मेरे को जरूरी चेंज करने, जो कि पुलिस को पता नहीं लगना चाहिए कि ये वाला नंबर प्लेट चेंज हो चुका है। यो भाई कितनी मस्त लग रही है यार ये, ओ माय गॉड काले रंग में गाड़ी यार, ये थोड़ी मेरे को अभी ना स्क्रैमजेट लग रही है यहाँ पर। ओके स्क्रैमजेट मेरे को यहाँ पर नहीं बनानी। उसके बाद अगर मैं नीचे आके देखूँ कोई भारी कलर हो रहा है यार, शेडो सिल्वर यार, ये कलर एब्सोल्युटली खतरनाक लग रहा है ये मेरे को, ये गैसोलीन ग्रीन एकदम पूरा गाड़ी के ऊपर जच रहा है। और अभी आते हैं रूफ की बारी, लेट्स गो। इसके ऊपर मुझे लगानी है कार्बन, ये कचरे वाली रूफ मेरे को नहीं लगानी यार, अपनी डिफॉल्ट ही बस लग रही है यहाँ पर तो। और अभी आते हैं गाइस अपनी द मेन चीज, और वो है स्पॉइलर, ये लगाते हैं, ये एब्सोल्युटली इन द मिडल आ चुका है। और अभी आते हैं गाइस इसके बाद साइड के वेंट्स, ये मेरे को साइड वाले वेंट्स नहीं लगाने, ठीक है। ओके अभी आते हैं व्हील्स की बारी, पूरा स्क्रॉल करना है मेरे को, चाहिए एकदम से पतले स्पोर्ट्स वाले टायर। ओ माय गॉड ये मैंने अभी देखे थे एकदम से मस्त वाले थे, अगर मैं फिर से एक बार क्रोम वाले पर जाके देखो ना। ओके ये बेस्ट है मेरे लिए, सिंपल एंड खतरनाक एट द सेम टाइम, पूरी विंडोज एकदम से काली कर देते हैं ताकि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है। एंड अभी अगर मैं एग्जिट करके देखूं तो आजा बाहर, भाई मैं भी आ रहा हूँ गड्डी कस्टमर। भाई भाई एकदम से खतरनाक गाड़ी लग रही है, मैं बता आ रहा हूँ जरा सी बंदे रेस्ट भाई, तो गाड़ी ऑलरेडी हवा के साथ बातें कर रही है ब्रो, आई खतरनाक फील आ रही है मेरे को। अभी मैंने इस गाड़ी के ऊपर एटलीस्ट 4-5 मिलियन तो खर्च करनी है, लेकिन वर्थ है यार। ओके गाइस मैंने मैप के ऊपर पुलिस स्टेशन डाल लिया, और मेरे को ये गाड़ी जो है एकदम रोड के ऊपर एकदम पूरे रूल्स वगैरह फॉलो करने, और एकदम ये गाड़ी लेके जाने एकदम से स्टेल्थ मोड के अंदर। निकल जा रहे, अरे भाई अपने पास टाइम नहीं है भाई, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। भाई साहब क्या कर रहा है तू, रूल्स मैंने यहाँ पर तो मैं लॉगी के साथ जो है बंगे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी एकदम से पुलिस की कस्टडी के अंदर फिर से आ जाए। तो एकदम से फिर से गाड़ी सामने रेड लाइट हो चुकी है, तो मेरे को शरीफों की तरह यहाँ पर बैठना है। अबे मत जा भाई, अरे टेंशन मत करो भाई, लॉस सैंटोस की पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती भाई, मेरे को तो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है भाई। जैसे मैंने बताया ना कि जब तक मेरी दूसरी गाड़ी इनबाउंड से निकल वाला कैसे जा रहा है, लॉगी देख मत ले पंगे उनसे, और मेरी मेरी बत्ती ग्रीन हो चुकी है, देख काम करते चुपचाप निकलते हैं। लॉगी को हम जानते भी नहीं है गाइस गेम के, हट जा भाई हट जा। अच्छा, अबे क्या कर, इसको छोड़े काम करते हैं भाई, जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं। अबे तू मेरी गाड़ी के अंदर आ जा, तूने अपनी गाड़ी के अंदर बहुत नुकसान किया है। चलो चलो चलो, अरे यार तेरे पीछे पुलिस है, तूने मेरे को बताया भी नहीं भाई, तू मेरे को मरवाएगा ब्रो, मेरे को इस फंडे में पड़ना ही नहीं। हो तेरी पूरा स्टार ब्लिंक हो रहा है, अभी तो मैप भी ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है अपनी आस पास ही होनी चाहिए यहाँ पर तो ब्रो। भाई मेरे को पुलिस से पंगे नहीं लेने, मैं शरीफ बंदा हूँ यहाँ पर। आइए सर जी आइए, ये तेरी तू फिर से गोलियां मार रहा ना सर जी, आइए ये रहा आपका मुजरिम, ये रहा। गाड़ी से उतरते इनके साथ बात करते हैं, तू कर सर जी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैं खुद इसको आपके पास लेके आया हूँ। अबे ओए टुकड़े बंदे, गाड़ी भी पकड़ी गई ब्रो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं खुद तेरे को इसके पास लेके आया हूँ। ले सुनते कहाँ पर है लॉस सैंटोस की पुलिस, कोई बात मानती ही नहीं है, इतना बेकार बंदा उसके सामने खड़ा फिर भी निशाना मिस कर रहा है। और ये लीजिए इसी के साथ एक बार फिर से मैं वेस्ट हो चुका हूँ, वो गाड़ी भी गई, मेरी गाड़ी तो बच गई ले। तेरी गाड़ी उठा के लेके नहीं गई क्या, अब की बारी ना मेरे को पुलिस स्टेशन के अंदर जाके ना 250 रुपए देके गाड़ी छुड़वा के लेके आनी पड़ेगी। किधर है पुलिस स्टेशन वाले मेरे को ये बता, डालो वो रहा नीचे कहाँ पर है ये रही। ओके अभी वहाँ पर जाकर मेरे कोई मचमच नहीं करनी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है, इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा खर्चा करके रखा हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि ये गाड़ी पुलिस ऑक्शन के अंदर बेच के पैसे कमा ले। देखियो मेरे भाई गाड़ी मत ठोकियो प्लीज,
ओके ये लो भाई हम आ गए यहाँ पे आराम। अबे ब्रेक, अबे ड्रिफ्टिंग मत मार, पुलिस स्टेशन के पार्किंग सामने मैंने लगाई यार, क्या की गाड़ी सामने खड़ी हुई है। लॉगी क्या क्या यहाँ पर कोई देख नहीं रहा। okay, एक काम करते हैं, छलांग मार के गाड़ी लेकर निकल जाते हैं ऐसे। तो आगे कस रहा, तो आगे 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 जंगल के पास ले गया, जंगल के पास आ जाओ। हाँ मुझे गाड़ी के ऊपर चढ़ने थे। हैंग ऑन अ सेकंड, हैंग ऑन अ सेकंड। वो बोल रहा है मेरे को 250 रुपए देने, चल बे बात 250 रुपए क्या कर रहा है। अरे भाई मैं और ज्यादा पास में लेकर जा रहा हूँ, बात 250 रुपए की नहीं है, बात है बात है प्रिंसिपल की। ओके लेट्स गो, आराम से चलना मेरे को। ओ ये कितने पैसे आपने कमा लिए आर्केड से। भाई मैं तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को जंप मार के ना। फट यार, एक मिनट भाई मैं सामने ट्रक खड़ा है, मैं वो लेकर आता हूं। कहां पर है वो देखो सामने। ओ ये लेट्स गो, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाओ ठीक है। पुलिस को खबर नहीं होनी चाहिए कि आज हम पुलिस के नाक के नीचे से गाड़ियां चोरी करेंगे। लेट्स गो, आराम से लेके जाना। तेरे को इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आ रही क्या? वो देखो भाई सामने भी ट्रक खड़ा है, ट्रेन ना आ जाए भाई, ट्रेन आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ 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 चपाती भाई। तेरे को लगता है कि ये इजी है, लेकिन है नहीं छलांग मारना GTA 5 के अंदर। लेट्स गो, आए दोस्त पुलिस। ओह माय गॉड, भागो 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 जल्दी से, क्विक नुकसान। अबे दरवाजा खोल, पीछे वाले फैंस से हो तेरे को क्या लगता है मैं गाड़ी कंधे के ऊपर रख के छलांग मार के निकलूंगा फैंस से? और मेरे को एग्जैक्टली पता छुपना कहां पर है भाई अब की। ओके पीछे रुक जाओ, थोड़ा बहुत प्लान में चेंज आ चुका है। क्या, क्या, पीछे ना थोड़ा बहुत यहाँ पर ना सुरंग बनी हुई है, तो काम करता है फटाफट से सुरंग के अंदर जाके छुप जाते हैं। इस सुरंग के अंदर अबे हट जा, ऊ बच गया क्योंकि मेरे को पता है कि ये टनल के अंदर जो है पुलिस नहीं आती है। लेट्स गो, ओके आई डोंट थिंक कि पुलिस मेरा यहाँ पर पीछा करने वाली है, और अगर यहाँ से बच गए ना तो उसका मतलब ये है कि हम लिटरली पुलिस की नाक के नीचे से हम गाड़ी चुरा के लेके भाग चुके हैं। एंड लीजिए गाइस, इसी के साथ अपनी पुलिस भी जो है भाग चुकी है। लेट्स गो, तो मतलब कि मेरे को 250 रुपए भी देने नहीं पड़े, हालांकि मैं 5 मिनट की गाड़ी ले चुका हूँ, लेकिन 250 रुपए देने में हाथ कांप रहे मेरे। लेकिन वंस अगेन ब्रो, बात 250 रुपए की नहीं है, बात है प्रिंसिपल्स की। तो चलिए गाइस एक बार फिर से हम आज की वीडियो में पुलिस के नाक के नीचे से हम अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी चुरा के लेके सक्सेसफुली वहां से निकल चुके हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।